नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी, आपका स्वागत है हमारे। आज हम बात करेंगे आरएनडी के बारे में कि आरएनडी क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होता है फ्रेंड्स, ये मल्टीनेशनल कंपनी जो दवाइयों का एक ब्रांड होता है, ब्रांडेड कंपनी जो होता है, उसका एक फील्ड है, उसका एक पार्ट है आरएनडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस फील्ड में क्या काम होता है? तो इस फील्ड में ये काम होता है कि नए नए मेडिसिन को खोजा जाता है या नया नया मेडिसिन बनाया जाता है रोगों के लिए, और जो पहले से मेडिसिन चल रही है उस कंपनी के थ्रू उस मेडिसिन में और सुधार करके दोबारा मार्केट में लाया जाता है। तो आरएनडी में जो है फ्रेंड्स, वो मामूली लोग नहीं जाते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, जो बिल्कुल टैलेंटेड होते हैं, जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, वही आरएनडी में जा सकते हैं। इसमें इस फील्ड में 50% से ज़्यादा लोग पीएचडी होल्डर होते हैं, यानी अगर आप पीएचडी होल्डर है तभी ये मल्टीनेशनल कंपनी आपको लेगा। 50% से ज़्यादा ही पीएचडी होल्डर है, और बाकी जो लोग हैं 50% वो एम फार्मा ग्रेजुएट हैं, यानी एम फार्मा पोस्ट ग्रेजुएट करके भी इसमें आप जा सकते हैं। ये था इसकी एलिजिबिलिटी। सैलरी आपको इसमें कम से कम 50,000 से स्टार्टिंग तो होगा ही होगा, क्योंकि रिसर्च इन और डेवलपमेंट ही है जो कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है और उसका फील्ड बढ़ा सकती है। तो फ्रेंड, 50,000 से स्टार्टिंग पेमेंट है, और एंड कहाँ पर ये किसी को मालूम नहीं है। आपको मैक्स 1 करोड़ तक ईयरली पैकेज मिल सकता है।